आज 24 अक्टूबर 2020 सुबह मैं यहाँ आया हूँ। एक भी बंदर का पता नहीं। अब उस रोड पर जाएंगे जहाँ सब मना ही है, वहाँ देखे मतलब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल हमने यहाँ साफ कर दिया था और एक भी बंदर नहीं दिख रहा है। तो अब जा रहे हैं उधर की तरफ, राउंड लगाएंगे। और यही दिमाग में बात आया कि आज 24 अक्टूबर बिहार वालों के लिए इतना भाग्यशाली दिन है। ज़रा सोचने की बात है कि एक मजबूती प्रदान करने वाला व्यक्ति जो वो कर सकता है बिहार के लिए, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता हो तो सामने आओ। यह नहीं कि हम ये करेंगे, हम करेंगे नहीं। 65-70 साल हो गए, करेंगे है ना, करेंगे नहीं। आपने क्या किया आज तक? तो मजबूती प्रदान करने के लिए भारत भाग्य विधाता उनको एक संज्ञा एक और दे रहे हैं। अपने प्रभु मोदी जी को एक संज्ञा और देना चाहेंगे। सुखेन वैद्य ही एक ऐसे वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। आज सुखेन वैद्य की तरह हमारे मोदी जी बिहार के धरती पर पहुंच रहे हैं। और एक एक बिहारियों से मेरा ये कथन है कि मजबूत डाल पकड़ो, फालतू बात नहीं। मजबूत जो वो कर देंगे, भाई केंद्र में बैठे हैं, उनके हाथ में तो बहुत कुछ है। तो बिहार का भाग्य पलट जाएगा जितना अब क्या बोलते हैं उनको, अरे नीतीश जी ने जो भी किया, अब उनको मजबूती भी तो प्रदान कोई करे। तो इससे सुनहरा मौका आज का 24 अक्टूबर 2020 ये क्या नाम बिहार के लिए, इससे सुनहरा मौका, समझ गए, गोल्डन चांस। अब उसके उनके जीवन में 5 साल तो नहीं आने वाला, समझ गए। इसलिए अकल से काम करो, बेवकूफ़ी मत काम करो। एठी न मेठी हैं, बहुत लोग हैं वो टुकड़ा है, वो गरीब लोग है, वो भोजन नहीं मिलता है। अच्छा है, पेट के लिए जीते हो तो जाओ पाकिस्तान को चले जाओ, सरेंडर कर जाओ। कुछ लोग चाइना के सामने झुक जाओ जाके कि साहब हमको रोटी दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, मैं दुम हिलाने वाला हूँ। शर्म की बात है, यह भारत देश है, समझ गए। यहाँ पर हम लोग जड़ी बूटी पेड़ पत्ती खा के, कंदमूल खा के हम लोग जीने वालों में से हैं। यह भारत भूमि है, यह आध्यात्मिक देश है हमारा। तो एक चीज़ दिमाग में आया, हमको हंसी दिया गया कि आज हम मोदी जी को 24 अक्टूबर को सुखेन वैद्य बना करके बिहार हमारे प्रभु जा रहे हैं, सुखेन वैद्य का काम करेंगे। एक समझिए मूर्छ, यानी एक जान पैदा कर देंगे बिहार के अंदर। केंद्र में है ना, जो चाहे बिहार के लिए का, ये गोल्डन चांस नहीं बार बार मिलेगा। वही लौट लौट के वही बात, क्या बात समझ में नहीं आती है कि जो आदमी इतना बदनाम हो, गली गली बदनामी हुई हो, और वो आदमी फिर खड़ा है, हैं हमको वोट दे दो, हम ये करेंगे। वो बेवकूफ़ बनाने की बात, आज तक मर गए थे, कहा नहीं आज तक किया भैया। अब कोई आ गया काम कर रहा है तो आप टांगियाँ उड़ा दें, आप नहीं, जनता को हमको जगाना है। तो चलिए साहब, हमारा सुबह सुबह 24 तारीख में भाषण हो गया, यहीं बाहर हमने कहा देंगे, हम गेट नहीं खोलेंगे ना अंदर जाएंगे। क्या जरूरत भाई, सरकारी जगह है, कोई चीज़ का दुरुपयोग मत करो। कोई को हज़ार बहाना है, तब भाई बाहर आए मतलब कि खुदा है, थोड़ा अटका पड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ हो जाए, यहीं खिला देते। आज झाड़ू दाना मैं फिर भूल गया, हमने कहा चलो आज यहाँ खिलाएंगे, फिर झिल्ली से बटोर देंगे। ये गंदगी नहीं दिखाई पड़ती है, ये गंदगी दिखाई पड़ती है। हमने कल सब किनारे कर दिया था, साफ सुथरा ठीक। अरे एक जने आ ही तो गए, ये देखो ये खुजू कर रहे हैं। और दे भैया बोनी करो, पूरी ताकत दो हमारी मोदी जी को, पूरी ताकत दो हमारे प्रभु को, पूरी ताकत मिलनी चाहिए। उसको समूची रोटी दे दें, साग सब्जी केला अदरक टमाटर केला दो। ये केला तो हमारे घर का है,
जो लगा है ना घोल आपने देखा होगा। लो लो ले लो का ले लो हमको डरवा रहे हो क्या सुखंडी, हमको डरवा रहे हो क्या, हमको डरू डरू देंगे एक झापड़। खा लो खा लो खा लो खाओ। चलो बोहनी करा लिया तुमने, मोदी जी का नाम लिया, देखो सामने तुम हाजिर हो गए। पूरे भारत को बिहार वालों, पूरे भारत को एक बनाओ, मजबूत बनाओ, समझ गए। हाय पेट हाय रोटी, भूखे मर रहे हो। ऐसा मोदी प्रभु ने किया है, आज तक किसी नेता ने किया हो तो नाम बताओ, मेरे सामने आओ हैं, किसी नेता का तो नाम बताओ जो मोदी जी की आधा चौथाई भी करके दिखाया हो। जब अपनी हैसियत लोगों ने बनाई है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इसलिए आंखें खोलो। अगर इस बात चूक गए वही दिल्ली वाली हालत तुम्हारी होगी, फ्री पानी फ्री बिजली है, लिया तो लोगों ने फ्री, दंगे की आग में दिल्ली जो है जुलस गया। ठीक है साहब, चलें थोड़ा रोटी भेज देते हैं। सुबह पहला बंदर मिला है, आ गया अचानक, लो भैया रोटी भी खाओ। आज समूची रोटी लेके आए हैं, इसमें केला रोटी समूची देंगे छोटों वालों को। ये आओ लो मोहनी कराओ, संकट मोचन इनको कहा गया है। कितने लोगों के संकट कटे हैं आज तक जो लोग हमसे जुड़े हैं। अब बिहार में जो लोग सुन रहे हो, बिहार में बीजेपी की भारी जीत के बाद मैं यहाँ भोज करूँगा, और बिहार के कोई भी नेता चाहें तो अपने बिहार में भी करके हमको वीडियो बना के भेजेंगे, न कि हमें पैसा दे दें कि हमें कौड़ी दे दें। लो भैया खाओ, लो लुट्टी खा लो भैया, लो लुट्टी खा लो। काहे ये छिलका गिरा है, आ दो खा लो। आओ तो दिया एक यहाँ पर, एक यहाँ पर दिया, भैया पीछे आ जाओ। आओ जाँच है कि नहीं तुम्हारे, हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम रख दिया जाए मुलायम पट्टी, ये मुलायम पट्टी है ये। खाओ लो खा लो, और उस रोड पर मिलेंगे तो वहाँ तो भैया हम देंगे नहीं, समझ गए। सब पहरा आगे बढ़ो, वहीं आगे जाओ, वहाँ सब टट्टी नरक पड़ा है, ये पूरा नाला साफ हो जाए ऊपर ऊपर। नहीं खाएं, इसी जंगल में रहते हैं, इनका तो यही बसेरा है, 24 घंटा बारह महीना। किसी ज़माने में सब खेत रहा, यहाँ कुछ नहीं था, खाली खेत खेते खेत रहा, आ सब हवेली और क्या क्या बन गया। खा लो खा लो, थोड़ी हमको लूटी हमको भी दे दो भैया, थोड़ी लूटी हमको भी दे दो, हमको लूटी लाओ। अरे लूटी लाओ भैया लाओ। खा लो खा लो। चले साहब जय श्री राम। इस वीडियो को मैं अभी पढ़ जाएगा ये, और समझिए कि आप लोग बस बिहार वाले आंखें खोलो, समझ गए, हम भी बिहारी हैं तो हमको वहाँ से लगाव तो है ही। हम चाहते हैं कि अरे मजबूत डाल को पकड़ो, ऐसे राजा को चुनो, ऐसे आदमी को बुलाओ जिसके खजाने में कुछ हो देने के लिए, समझ गए, उनको यही राजा मानो कि भाई उनके खजाने में आपको बहुत कुछ देने दे सकते हैं, वो देने के लिए है। और किसके क्या खजाने में है, वो खजाना खाली है केवल भरने के लिए वो लोग पहुँच गए कि हमको बस वोट दे दो, हम किसी तरह तुमको हम पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी खिला दें और उसके बाद बेवकूफ़ बना दें। अब जब तक आज तक जनता बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है, समझ गए, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।